चलिए, तो लाइम सोडा के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल का आंसर दे देते हैं। बाइकार्बोनेट को हमने लाइम में ऐड किया है और सोडा में माइनस किया है, ऐसा क्यों किया हमने? तो देखिए, अगर आपके वाटर सैंपल में सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये लाइम के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है? सोडा बना दे रहा है। ठीक है, तो लाइम का तो कंजप्शन कर रहा है बट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडा बना रहा है, तो इंटरनली सोडा में से ये क्या होगा? डिडक्ट होगा। इसलिए लाइम में तो हम बाइकार्बोनेट को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, सोडा में से हम बाइकार्बोनेट को माइनस करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे हम। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 1 लाख लीटर ऑफ वाटर कंटेनिंग द फॉलोइंग इम्प्यूरिटीज़। ये आपकी इम्प्यूरिटीज़ दी हुई हैं और आपको लाइम सोडा की कैलकुलेशन करनी है कि कितना लाइम और सोडा चाहिए होगा हमें ऐसे वाटर सैंपल में जिसमें से प्योरिटी ऑफ लाइम जो है वो 70% है और प्योरिटी ऑफ सोडा 85% है। तो सबसे पहले, सबसे अच्छा तरीका है जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में किया था, पहले आप एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल में आप इम्प्यूरिटीज़ पुट करिए, अमाउंट यानी मास क्या है, और चेक करना है आपको कि मास जो है वो मिलीग्राम या पीपीएम में होना चाहिए, ग्राम में नहीं होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसके मासेस हैं, मॉलिक्यूलर वेट है इंडिविजुअली सॉल्ट्स के लिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे निकालने का, या आप इनको फाइंड आउट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इनका इंडिविजुअली सबका, और उसके बाद हार्डनेस निकाल देंगे। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो हार्डनेस है वो इतनी आई है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इतनी आई है, कैल्शियम क्लोराइड की इतनी आई है, मैग्नीशियम क्लोराइड की 9.15 आई है, कैल्शियम सल्फेट का आया हुआ है और मैग्नीशियम सल्फेट आया हुआ है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी टेबल में कोई ऐसा सॉल्ट अवेलेबल हो जो हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं है तो हम उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करते, अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए लाइम का फॉर्मूला रख देते हैं, 74/100। अब आप देखते हैं टेम्परेरी कैल्शियम, तो टेम्परेरी कैल्शियम आपके पास हार्डनेस है कौन सी है, 18.64 और 14.24, 18.64 ठीक, और ये आपके मैग्नीशियम की टेम्परेरी है, 2 × मैग्नीशियम की टेम्परेरी, तो 14.24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के देखिए दो सॉल्ट हैं परमानेंट, एक तो है मैग्नीशियम क्लोराइड और एक है मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसकी जो हार्डनेस है वो क्या है, 9.15, और इसकी हार्डनेस क्या है, 5.58, तो 9.15 प्लस 5.58 इंटू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइम इज 70% प्योर, तो क्या है 100/70% है प्योरिटी उसकी, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना कैलकुलेशन चाहिए, 1 लाख लीटर पानी के लिए चाहिए आपको, तो 1 लाख लीटर आपने यहाँ फाइंड आउट कर दिया, तो आपके पास आ गया मिलीग्राम में आंसर कि हमें इतना मिलीग्राम लाइम चाहिए। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं केजी में, 6.53 kg हमें लाइम चाहिए टू कैलकुलेट टू प्योरीफाई सच काइंड ऑफ सैंपल हैविंग द फॉलोइंग इम्प्यूरिटीज। क्लियर, अभी तो हमने ये किया कैलकुलेट लाइम का अमाउंट, अब आते हैं हम करते हैं कैलकुलेट सोडा का अमाउंट।